देश का 75वां बजट पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए कई बड़े ऐलान। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमृत काल का पहला बजट। बजट में आयकर पर 5 बड़े ऐलान। 7 लाख तक टैक्स नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा और लीव इन्वेस्टमेंट पर भी फायदा। बजट को लेकर पीएम मोदी बोले, बजट से पूरा होगा हर वर्ग का सपना। करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता। इनकम टैक्स छूट की सीमा 8 साल बाद बढ़ी। गरीबों को 1 साल और मिलेगा मुफ्त अनाज। बजट 2023 के फारूक अब्दुल्ला ने की तारीफ तो कांग्रेस नेता शशि थरूर दिखे नाराज। कहा, बेरोजगारी महंगाई की बात भी नहीं की गई। जोशीमठ में मुसीबत का सबब बना ऑल वेदर रोड का काम। इस वार्ड के कई मकानों में पड़ी दरारें। लगातार हो रहा भूस्खलन। नैनीताल हाईवे के पास चलती कार के ऊपर अचानक गिरा पेड़। बाल बाल बचे कार सवार। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात बहाल कराया। धनबाद के आशीर्वाद टावर में आग से 14 की मौत। दिए से लगी आग। शादी वाले घर में दुल्हन की मां समेत 14 की मौत। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में डेब्यू कर सकता है खतरनाक कंगारू गेंदबाज। कहा, भारत में सीखने का मौका। भारत के साथ सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया का माइंड गेम। कोच खिलाड़ी बोले, भारत में प्रैक्टिस और मैच के पिच में अंतर। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारत की जूनियर हॉकी टीम का ऐलान। प्रीति को मिली कप्तानी। ऋतुजा दादासो प्लानो दौरे की टीम की उपकप्तान होगी। ऑस्ट्रेलिया में खोया रेडियो एक्टिव कैप्सूल 20 दिन बाद मिला। सड़क किनारे पड़ा था। इसके रेडिएशन से स्किन हड्डियों को खतरा। पाक मंत्री का कबूलनामा, हमने आतंक का बीज बोया। मस्जिद हमले पर आसिफ बोले, अब देश को सुधरने की जरूरत। चीनी टेक्नोलॉजी का मिलकर मुकाबला करेंगे भारत अमेरिका। एनएसए अजीत डोभाल अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मौजूदगी में ICET डील। न्यूजीलैंड में चल रहे हिंदी स्कूल, गीता भी पढ़ रहे बच्चे। संस्कृति अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की पहल कर रहे भारतीय। रूस ने 19 साल की लड़की को किया आतंकी घोषित। घर में नजरबंद। विरोध में उलेसा ने पैर पर एंटी पुतिन टैटू बनवाया। पाकिस्तान की मस्जिद में फिदायीन हमला। 88 पुलिस कर्मियों की मौत। 500 नमाजियों के बीच हमलावर ने खुद को उड़ाया। जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में हिमस्खलन में 2 विदेशी नागरिकों की मौत। 19 को सुरक्षित जगह पहुंचाया। बचाव दल मौके पर मौजूद। भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे T20 मैच में 168 रन से हराया। सीरीज को 2-1 से किया अपने नाम। गिल ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड। सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले भारतीय बने। 6 महीने के अंदर तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी।